तो आज मैंने बटर चिकन और दाल मखनी ऑर्डर करी है दिल्ली की दो ऐसी जगहों से जिनमें से एक अपने आप को क्लेम करती है बटर चिकन और दाल मखनी का ओरिजिनेटर, मतलब बटर चिकन और दाल मखनी का इजाद ही इन्होंने किया था, और ये है दरियागंज रेस्टोरेंट ऑफ कनॉट प्लेस। दूसरी तरफ हमने एक ऐसी जगह से खाना मंगाया है जो बंदा इंडिया का टॉप मोस्ट शेफ है, प्रेजेंटिंग यू द संजीव कपूर्स येलो चिली रेस्टोरेंट। भाई मतलब कौन नहीं जानता संजीव कपूर को, ये मास्टर शेफ के जज रहे हैं, इंडिया का एक सबसे पॉपुलर कुकिंग शो इन्होंने शुरू करा था, मतलब इंडिया में कुकिंग का रिवाज औरतों की जगह आदमियों का, उसका कॉन्सेप्ट ही संजीव कपूर लेकर आए थे। तो चलिए देखते हैं कि क्या इंडिया का ओरिजिनेटर ऑफ बटर चिकन एंड दाल मखनी बीट कर पाता है हमारे टॉप मोस्ट शेफ को। सबसे पहले मेरे को लगता नहीं संजीव कपूर जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है, दिल्ली में अपने इतने सारे रेस्टोरेंट खोल रखे हैं येलो चिली के नाम से जो कि कई जगहों पर है, साथ ही साथ इनका एक बहुत ही पुराना शो आता था जो कि बहुत ही पॉपुलर था, किस किस को उसका नाम याद है कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखो यहाँ पे इनकी फोटो है, यहाँ पे इनका सिग्नेचर है, बहुत ही प्यारी ब्रांडिंग के साथ आता है, नाम भी इन्होंने काफी अच्छा चुना है येलो चिली, पीली मिर्ची। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। तुम्हें लगता है कि संजीव कपूर की रेसिपी दरियागंज के ओरिजिनल टेस्ट को बीट कर पाएगी? नहीं। और यहाँ कौन कौन संजीव कपूर की तरफ है, कौन कौन दरियागंज की तरफ है? आई वॉन्ट टू टेक द बोस्ट। संजीव कपूर दरियागंज। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, आई एम न्यूट्रल, आई एम नॉट लाइक इंडियन मीडिया। पूछे क्यों थोड़ा? गाइस ये है पहली डिश और ये है हमारी दूसरी डिश, इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसकी पैकेजिंग में देखो हर जगह पे लिखा हुआ है दरियागंज, शार्क टैंक में भी आया था और वहां पे इन्होंने अपने लिए इक्विटी मांगी थी और वहां पे इन्होंने क्लेम भी किया था कि भाई हम ही हैं, हमने बनाया है बटर चिकन, ये हमको बनाना सिखाएंगे क्या, हैव मोर वाले और ये तरह तरह के बटर चिकन वाले। लेकिन पिछली बारी ललित से हार गया था इसका बटर चिकन। ओ नाइस नाइस। और भाई एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमने दोनों जगह पर 2000 ही खर्च करे हैं, एक बटर चिकन एक दाल मखनी, ये बटर चिकन ये दाल मखनी, ये है प्याज। अरे भाई पैकेजिंग के मामले में तो मेरे ख्याल से संजीव कपूर का रेस्टोरेंट कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगा। साले को बम से उड़ा दूंगा। पता है जो मैंने चीज देखी थी वो ये, ओ भाई 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 वो लीक कर रहा है यार, इसने ना मेरे को उसको उसकी याद दिला दी जब मैं अपने भांजे को पार्क लेके गया था। भाई मेरे को लगता है आज हमारे इंडिया के मास्टर शेफ मात खाने वाले हैं यार, पैकेजिंग इतनी हल्की है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यार गाइस आप लोग किसके लिए वोट कर रहे हो, संजीव कपूर या दरियागंज, मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है। भाई आप में ज्यादातर लोग किसकी तरफ है? देखो भाई 2000 के बजट में भी इसमें बहुत ही ज्यादा हल्की पैकेजिंग है लेकिन शक्ल तो भाई A1 लग रही है। संजीव कपूर की डिशेस एक्चुअली लग रही है कि संजीव कपूर जी की ही ट्रेनिंग के अंदर, गाइडेंस के अंदर बनाई गई है। अब दरियागंज रेस्टोरेंट इनकी शक्ल कैसी है यार, इतनी मोटी दाल की लग रही है यार, काफी प्रीमियम क्वालिटी की दाल लग रही है यार। ये रहा भाई हमारा दरियागंज का बटर चिकन, हो ऊपर का गार्निश भी अभी तक इधर का उधर नहीं हुआ। दरियागंज रेस्टोरेंट की दाल मखनी सबसे पहले, आज तो खोलो यार, चुप रहा यार। ऑडियंस चुपचाप देखना नहीं चाहती। मैं कहना चाहता हूँ कि इन दोनों रेस्टोरेंट में से एक का खाना निहायती टट्टी है और एक का खाना अति उत्तम और अति स्वादिष्ट। द बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट इज मिस्टर संजीव कपूर का येलो चिली रेस्टोरेंट। गाइस दिस इज फैंटाबुलस, आप इसकी शक्ल से ही बता सकते हो कि दिस लुक्स रियली टेस्टी। और ये क्या बवासीर है, इज दिस सपोज टू बी द रियल बटर चिकन? भाई दिस इज टेरेबल। मतलब हमने जो इनके मेन्यू में सिलेक्ट करा था ना, दैट वाज ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी ऑफ बटर चिकन, और ये इतना बुरा है कि मेरे यहाँ का पप्पू हलवाई भी इससे अच्छी दाल मखनी और बटर चिकन बना सकता है। मतलब मेरे यहाँ से संजीव कपूर ने ना मतलब बैंड बजा दी इस रेस्टोरेंट की। तो अगर आप भी कभी कोई फैमिली डिनर के लिए जाना चाहते हो, कोई रेस्टोरेंट की कंफ्यूजन में फंसे हुए, तो संजीव कपूर की रेस्टोरेंट विजिट करना, दिस इज रियली गुड। बाकी वीडियो देखकर मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगले किस रेस्टोरेंट, कहां पर कहां का पर्दाफाश हमें करना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना, कोई और आइडिया हो तो बताना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय। ये ले अक्षी, ये अलमारी में रख लेते हैं।